मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि जॉब करने से अधिक मुश्किल है बिजनेस करना, इसलिए व्यक्ति को जॉब ही कर लेना चाहिए ताकि हर महीने बंधी हुई सैलरी बैंक अकाउंट में आती तो रहेगी। लेकिन भारत में जिस तरह से मार्केट की हालत चल रही है, उस हिसाब से तो नौकरी करना भी मुश्किल हो गया है। आपको बता दें, केवल भारत ही क्यों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जैसे बड़े बड़े देश भी कॉस्ट कटिंग के नाम पर धड़ल्ले से अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। खैर, मार्केट की हालत तो देश की अर्थव्यवस्था पर ही टिकी है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, वैसे वैसे ही नौकरियां बचने की संभावना भी बढ़ेगी। परेशानी वाले हालात में भी कैसे जॉब को बचाया जाए और कैसे उस कारण को खोजा जाए जिसकी वजह से बार बार जॉब चली जाती है, इसका जवाब ज्योतिष शास्त्र के पास है। तो चलिए, आज हम आपको नौकरी को जाने के उपायों के बारे में बताते हैं। आपको बता दें, नंबर एक, जॉब में सफलता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति की कुंडली का दसवां भाव उसके करियर का नेतृत्व करता है। वह कैसा करियर चुनेगा, सफलता मिलेगी या नहीं, यह इसी भाव पर निर्भर करता है। किंतु करियर के क्षेत्र में विशेषतः नौकरी के लिए कुंडली का छठा भाव देखा जाता है। यहाँ से जॉब में चल रही हर हलचल का पता लगता है। नंबर दो, करियर या जॉब से जुड़ा उपाय। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है करियर या जॉब से जुड़ा ग्रह। ज्योतिष परिणामों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के करियर में मिल रही सफलता या असफलता के लिए शनिदेव का हाथ होता है। यदि उनकी कृपा होगी तो जॉब अच्छी चलेगी, अन्यथा परेशानियां आती रहेंगी। नंबर तीन, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली। वे जातक जिनकी कुंडली में शनिदेव अशुभ स्थान पर विराजमान होते हैं, पंडित हो या फिर कमजोर स्थिति में हो, तो जॉब में दिक्कत आती है। इसके अलावा अगर शनि की साढ़े साती, ढैया दशा या अंतरदशा चल रही हो, ऐसे लोगों को हमेशा ही करियर संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर चार, कुंडली का दशम भाव। ज्योतिष शास्त्र की माने तो अगर किसी जातक की कुंडली के दशम भाव में कोई पाप योग बन रहा हो, जैसे कि ग्रहण योग, गुरु चांडाल योग आदि, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी जॉब को लेकर हमेशा परेशान रहता है। नंबर पाँच, कुंडली में पापी ग्रह। ऐसे व्यक्ति को पापी ग्रह के कुछ समय के लिए शांत होने पर जॉब तो मिल जाती है, लेकिन दशा के एक्टिव होते ही उसे अचानक जॉब से हाथ धोना पड़ जाता है। इसके अलावा अगर दशमेश अपने भाव में नीच का होकर बैठ जाए, तब भी जॉब में परेशानियां आती हैं। नंबर छः, कुंडली में करियर का ग्रह। अब करियर का स्वामी ग्रह अगर अपने से बीच राशि में हो या उसकी युति मंगल, केतु या सूर्य के साथ हो, ऐसे में भी व्यक्ति अपनी जॉब को लेकर संतुष्ट नहीं रह पाता। नंबर सात, शनि ग्रह का प्रभाव। इसके अलावा अगर शनि अपने भाव में ना होकर छठे, आठवें या बारहवें भाव में विराजमान हो, तब भी जॉब में अड़चनें आती हैं। अगर उपरोक्त बताया गया उपाय आपकी कुंडली में हो, तो आगे भी ये मंत्र जरूर पढ़ें। मंत्र साधना। अगर जॉब में कोई परेशानी आ रही हो, तो व्यक्ति को शनि के मंत्र ओम शमे शनि चराहे नमः का नियमित जाप करना चाहिए। इसके अलावा एक बार किसी ज्योतिषी की सलाह से यह पता करा लें कि कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। यदि साढ़े साती, ढैया या दशा चल रही है, तो उपाय करने में बिल्कुल भी देरी ना करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।